बातें
भगवान का चमत्कार हो तो मेरे जीव भी बोलता है। हम जिसका जैसा सुर है वो वैसे ही गाएंगे, लेकिन इनके बिना हमारी आवाज आप तक ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाती है, तो इसलिए एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। विश्वकर्मा साउंड सिरोही, हाँ सिरोही, बहुत बहुत सुंदर। ये बीच में टूटा थोड़ी बहुत हो जाती है, तो 100 में से 99 आ जाए तो वो मेरिट से भी ऊपर आता है। एक बार ताली जना हमारे पांच छोटे छोटे भाइयों के लिए बजाएं। इनमें सारे के सारे 30 से 25 से नीचे नीचे के हैं। एक तो अभी भी गुड्डे गुड़िया खेलता है। हाँ और क्या, अगर उसको आप ये कहोगे ना 6 बजे बेटा कीर्तन शुरू हो जाएगा, तुझे 6 बजे पहुंचना है, तो 7 बजे वो आधे रास्ते में होगा। क्या कर रहे थे? बोले खेल रहा था मैं कंचे, भूल गया। इनमें से एक है, बताओ मेरी कौन सा है? ये बच्चे हैं, मतलब देखो बच्चे कितना मन से भाव से बजा रहे हैं। और पूरी रात में आपको एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके मुख पर कोई गलत भाव हो। कई जगह आप लोग देखते हैं कि बजाने वाले सिर्फ इसलिए बजा रहे हैं कि उनको बजाना है, वो अपना आनंद नहीं। लोग कहते मजो आ भी गयो, मजा और आनंद ये दोनों अलग अलग है भैया। लोग कहते चाय बहुत बढ़िया थी, मजो आ भी गयो, चाय स्वाद थी मजो आ भी गयो, कीर्तन अच्छा था मजो नहीं आयो आनंद आयो। तो वो कई बजाने वाले अपना मजा ले रहे होते बजाने का, अपने ही धाक तिलक का, धाक तिलक का, आनंद से कोई लेना देना नहीं है, ये आनंद में गोते खा खा के आ रहे होते हैं। तो तभी तो आप और हम गोते खा रहे हैं। तो एक बार इनके लिए एक बार और ताली बजा दो। अब ये त्रिदेवता के लिए भी 30 तालियां बजा दो। कहाँ कहाँ तक कितना सुंदर गा रहे हैं, है कि नहीं? एक बार ताली अपने लिए बजा दो। ये कहने का प्रयास कर रही हूँ कि दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है, माँ की तरफ से कोई फर्क नहीं है। कि हम लोग जो VIP दर्शन करते हैं, तो जो सीधी वाली लाइन में खड़े होते हैं ना, वो कहते हैं इनको देखो इनकी मजे,
वीआईपी दर्शन करे और चले गए। मेरे भाई, वीआईपी दर्शन करने वालों को भी तीन पिंडियों के ही दर्शन होंगे। अगर उसने 1,00,000 रुपए दे करके वीआईपी दर्शन किए हैं तो ऐसा नहीं है माता रानी 1,00,000 रुपयों में उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। जो हाथ जोड़ करके खड़ा है अम्बे मात, उसको भी वैसी ही दिखेगी। और जो 1,00,000 रुपए दे करके घुसा है अम्बे मात, उसके लिए भी वैसी ही है। कोई फर्क नहीं करती है माँ अपने दोनों बच्चों में, बच्चे भले ही कर लें। और मैं तो बल्कि उल्टा कहती हूँ कि जो पसीने में तर बतर होकर के 14 घंटे तक लाइन में लग के बाबा के दर्शन करके आया है, बाबा वीआईपी वाले को कहता है दर्शन कर आगे से हट, मुझे पहले उससे मिलना है जो 14 घंटे चल करके आया है। जय श्री श्याम। कौन है दादा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके, अपने गले लगाया सिर हाथ दिए। बहुत जल्दी बड़ी हुई है, ताली बजाओ। जिसको समझना था वो समझ गया। तेरा दर्शन करने आओ लोग कहे जय माता दी, तेरा दर्शन करने आओ लोग कहे जय माता दी, तेरा दर्शन करने आओ लोग कहे जय माता दी, तेरा दर्शन करने आओ लोग कहे जय माता दी। और सुनो, शर्माऊं क्यों? क्योंकि मेरे पाप इतने हैं और उसकी कितना कृपा इतनी बड़ी है, इसलिए शर्म आ रही है, इसलिए शर्म आ रही है कि मैंने